जल्दी बनकर तैयार हो जाती है रेसिपी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं और ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं सूजी टोस्ट हम कैसे बनाते हैं, हमारे सूजी टोस्ट कितने टेस्टी और कितने लाजवाब लग रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं हम अपने सूजी टोस्ट कैसे बनाते हैं। आपसे बड़ा या घटा सकते हैं। ये हमने 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड किए हैं, बेसन से बाइंडिंग अच्छी आती है। इसी के साथ हमने कुछ हरी मिर्ची ली है कटी हुई, हमने बारीक हरी मिर्ची काट के ली है, कुछ प्याज लिया है, एक छोटा प्याज है बारीक चॉप कर लिया है, ये सारी धनिया पत्ती ली है। इसी के साथ हम स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, इसी के साथ हम स्वाद के अनुसार नमक लेंगे और अब हम इसे सबको मिक्स कर लेंगे और पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना देंगे। क्योंकि सूजी फूलती है इसलिए पानी को थोड़ा ध्यान से डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे जिससे कि सूजी बेसन और बाकी के मसाले अच्छे से मिक्स हो सके। और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे जिससे कि हमारी सूजी फूल सके और पानी एब्जॉर्ब कर सके। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ज़्यादा लिक्विड इसे नहीं बनाना है क्योंकि ज़्यादा लिक्विड होगा तो ब्रेड पर ये स्प्रेड नहीं होगा। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स हम अब ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, उसमें हम इस तरह से जिस तरह से आलू का बैटर लगाते हैं इस तरह से हम सूजी का बैटर लगाएंगे इसमें। इसी तरह से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस में सूजी का बैटर लगा देंगे, फिर एक साथ इन्हें रोस्ट करेंगे। नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं, इसमें हमने ऑयल या बटर कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें देसी घी डाला है, इसमें हम अपने टोस्ट को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम उल्टा करके अपने ब्रेड स्लाइसेस इस पे डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है क्योंकि हमने इसमें घी ऐड करा था, इसकी वजह से हमारा ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। और अब हम इसे धीमी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से रोस्ट करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं। इस तरह ये छोटी मोटी भूख में आप बना के खा सकते हैं और अगर आपके घर में मेहमान आए हों तो आप उनको भी बना के खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं ये खाने में।
देखिए फ्रेंड्स, अलट पलट करके हमने इनसे पका लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। इसी तरह से हम बाकी के टोस्ट भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ब्रेड टोस्ट। हमने इसे हाफ कट कर लिया है और हरी और लाल चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो मेयोनीज के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप फ्रेंड्स हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।